Hello everyone, my name is Jatin Tanmuria and I welcome you to UPSC by Jatin. I hope you all are doing great. In this video, I'm going to talk about all the process related to joining of CHSL MES 2023 LDC. So basically, इस post के लिए मेरा भी selection हुआ है. मैं इसकी joining से related हर एक चीज़ की video डालूंगा. So if you want, you can subscribe to this channel या फिर आप इस channel को continuously check करते रह सकते हैं ताकि आप कोई भी चीज़ को miss ना करें. And please do try commenting so that we can be in touch. So let's get started. जैसा आज 22 अगस्त हो रही है, सो प्रोबेबली दो से ढाई हफ्तों के बीच में हमारे लिए कमांड एलोकेशन या फिर जिसको स्टेट एलोकेशन भी कहते हैं उसके लिए हमें मेल आएगा और उस मेल पे हमें रिवर्ट करना रहेगा. सो इन दैट मेल हमें ऑर्डर हमारा सीक्वेंस डिसाइड करना है, हमें प्रेफरेंस बतानी है कि हमें सेंट्रल कमांड चाहिए, ईस्टर्न कमांड चाहिए, साउथ कमांड चाहिए, कौन सी कमांड चाहिए. एंड उसमें हमें हमारा मोबाइल नंबर, एड्रेस, बाकी सब जो भी चीज़ें आएंगी, इन्फॉर्मेशन, वो सब हमें फिल करके उन्हें भेजनी रहेगी. देन उसके बाद कुछ उसके मतलब एक दो महीने बाद या जितना भी समय लगे, हमारे पास अगला जो एक बाय पोस्ट आएगा फ्रॉम द रिस्पेक्टेड कमांड जो हमें मिलेगी. क्योंकि यहाँ पर MES में क्या होता है कि रैंक वाइज आपको एलोकेशन होगा, तो जिस तरीके की भी आपकी रैंक रहेगी तो आपको अगर वो कमांड मिल सकता है तो उस अगर आपको वो कमांड मिल जाता है सो देन यू विल बी गेटिंग अ पोस्ट फ्रॉम दैट कमांड, जहां पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जाएगा, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा जाएगा. इनके लिए फॉर्म भेजे जाएंगे जिनको आपको फिल करवाना है. सो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से भरवा सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर काइंड ऑफ जिनका, जैसे अगर आप किसी IPS IAS इनमें से किसी को भी जानते हैं या फिर कोई लेफ्टिनेंट्स वगैरह को जानते हैं, सो यू कैन ask them to fill this. Even अगर उसमें कहीं लिखा हो, क्योंकि जैसे जो कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट होता है उसमें जब ग्रेडेटेड ऑफिसर के लिए वो लोग आपके स्कूल प्रिंसिपल को भी कंसिडर कर लेते हैं. सो वहाँ पर जो भी फॉर्म में लिखा रहेगा आपको ग्रेडेटेड ऑफिसर से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है. लाइक फिर उसके बाद आपका जो अगला है मेडिकल वाला, तो वो CMO से कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके CMO से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वैसे नॉर्मली बन जाता है, अदरवाइज दे राइट सम टेस्ट और आप वो टेस्ट करा लीजिए तो आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें आपको कुछ जो आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स भरनी रहेंगी. एंड देन आपको ये पूरा का पूरा ये जो भी चीज़ है इसको लेके जाना है आपके कमांड में. सो जहाँ भी आपको कमांड एलोकेशन हुआ है वहाँ पर आपको ये सब कुछ लेके जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स एंड ऑल अदर ID प्रूफ्स, ये सब आप चीज़ आपको लेके जानी है. आपकी ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन तो नहीं है, सो यही सब आपको आपकी 12th तक की मार्कशीट सारी चीज़ें लेके जानी है वहाँ पर. एंड उसके फिर 15-20 दिन के बाद आपकी ये जो भी ज्वाइनिंग है ये ज्वाइनिंग हो जाएगी. अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी जॉब प्रोफाइल कैसी रहने वाली है. सो जैसा कि MES इज मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, तो जैसे भी जितने भी कैंट एरियाज होते हैं यहाँ पर, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम या फिर जितना भी मेंटेनेंस वाला काम होता है वो सब MES देखा जाता है. कि अब उसमें MES में LDC का काम क्या होता है, MES इज अ डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर पर्सनल्स होंगे, राइट. सो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो भी लोग, जो भी पर्सनल्स, जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका पूरा लेखा जोखा, कि कोई क्या क्या छुट्टी पर जा रहा है एंड एनी अदर थिंग, जो भी बाबू वाला काम होता है. सो यू विल बी डूइंग दैट, कोई भी फाइल्स माइल्स देखना, ये सारे काम आपके रहेंगे उसमें, कि किसने किस कोई छुट्टी पर गया है एंड किसी की कुछ सैलरी वगैरह, किसी का कुछ टी ऐड का हुआ है, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको रिजॉल्व करनी रहेगी ऐसा LDC वहाँ पर. सो यहाँ पर जो टाइमिंग है वो अराउंड 8 AM से लेकर 3 PM के आसपास होता है. सो आपके पास 3 PM के बाद ऑलमोस्ट पूरा टाइम रहेगा अपनी फर्दर स्टडीज़ करने के लिए. क्योंकि अगर आपने CHSL क्रैक किया है तो देर आर हाई लॉट ऑफ चांसेस कि आप CGL भी इजिली क्रैक कर लेंगे. सो आप जिसने भी इस बार मतलब CHSL क्रैक करा है और जो अभी जो 2023 में क्रैक करने वाले हैं, दे आर रियली डिजर्विंग कैंडिडेट्स, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, तो उन्हें वहां पर रुकने तो वो नहीं वाले हैं जितना मैं मान के चल रहा हूं. तो आप सभी चाह रहे होंगे कि आप सब आगे पढ़ पाएं, तो MES ज्वाइन करने के बाद देयर आर चांसेस एंड इफ यू आर विलिंग तो आप प्रिपेयर कर सकते हो इसमें MES में आने के बाद. अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी भी एनीवेयर अराउंड 32-33 के आसपास रहने वाली है. कट पिट के थोड़ी सी कम मिलेगी, बट कोई मैटर नहीं करता, जब तक आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे हो तब तक आप अपना फ्यूचर देख पा रहे हो. सो आप यहां से आगे मूव ऑन कर सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर्स यहां पर कमांड टू कमांड भी ट्रांसफर्स होते हैं और कमांड के अंडर भी ट्रांसफर्स होते हैं. सो कमांड टू कमांड ट्रांसफर, लाइक सपोज कभी आपको ईस्टर्न कमांड दे दिया, कभी आपको सेंट्रल कमांड दे दिया, कभी साउथ दे दिया, कभी वेस्ट दे दिया, कभी नॉर्थ दे दिया, ये सब कमांड देते रहेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कमांड्स में भी इंडिविजुअल्स ऑफिस होते हैं. सेंट्रल कमांड हो गई, इसके भी मल्टीपल जगह ऑफिस हैं, जैसे इलाहाबाद में होगा इसका ऑफिस, कहीं ना कहीं भोपाल में हो सकता है, लखनऊ में हो सकता है. सो दीज प्लेसेस, यहाँ पर इनके कमांड्स के ऑफिस होते हैं, तो यहाँ पर भी आपका कमांड के अंदर भी ट्रांसफर्स होते रहेंगे. जो इंटर कमांड्स आपके ट्रांसफर हैं वो
कुछ सालों बाद होते हैं, 6 7 8 साल बाद होते हैं, और जो आपके इंटरनल इंट्रा कमांड्स होते हैं, जो कमांड के अंदर होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। अदर देन डैट, अगर हम लोग बात करें कि वर्क प्रोफाइल थोड़ी हेक्टिक नहीं है या कि मतलब आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप मैनेज करना चाहें, अदरवाइज ये आपकी पर्सनलिटी पर डिपेंड करता है। बट अगर आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिसने भी गवर्नमेंट एग्जाम इस समय क्रैक करा है, दे आर नॉट वन ऑफ दीज, सो यू विल बी इट विल बी फेयरली ईजी फॉर यू टू बैलेंस थिंग्स आउट। सो यही है इस वीडियो में। अदरवाइज आप में से अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू इट। दैट्स इट। बाकी बाकी सब लोग ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलते ही हैं अपन सब। सो दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।